हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों 8th क्लास में हमने पहले 5 लेसन आपको करा दिए हैं। अब ये 6th लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दहन और ज्वाला। 5 लेसन के हम नोट्स आपको भेज चुके हैं, उम्मीद है सभी बच्चों ने उन्हें अपनी कॉपियों पे कर लिए होंगे। तो इससे आगे हम अब चलते हैं दहन और ज्वाला। हम घर पर उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोग में करते हैं, प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में प्रयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम हैं, जैसे मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? पेट्रोल, डीजल, है नहीं, CNG। आपकी सूची में ये सब सम्मिलित है। गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। तो ये कोयला, गोबर, ये किस चीज़ में हम प्रयोग करते हैं? घरों में जलाने के, है ना। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने पर कोयला जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं, ठीक है ना। कोयला वैसे ही हमारा धधकता है। इसी प्रकार आप ऐसे अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। जैसे कोयला है, उसमें कोई ज्वाला थोड़ी जलती है। आग ऐसे जैसे मोमबत्ती में जलती है उस तरह से नहीं जलती, तपिश होती है उसमें, लेकिन उस तरह से नहीं जलती। वो जल कर एकदम लाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा उष्मा देती है। जलने के रासायनिक प्रक्रम और उसका हम यहाँ पर अध्ययन करें। दहन है क्या? दहन को आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा है बच्चों। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयला यानी लकड़ी का जो कोयला होता है ना, उसे लेकर कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती के अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश देता है। जब कोयला जलता है तो उष्मा तो देता ही है और साथ में वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश देता है। जब वो जलता है तो उसमें आपने देखा होगा उसमें धुआं सा निकलता है, तो कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। बच्चों क्वेश्चन बन जाता है हमारा, दहन क्या होता है? जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं? दाह्य। जो वस्तु जल रही है उसे क्या कहते हैं? दाह्य। जिसका दहन हो रहा है इसे ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। ईंधन ठोस, द्रव और गैस दोनों हो, सब हो सकते हैं। कभी कभी दहन के लिए के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लोह के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो बेटा ठोस में तो जैसे कोयला हो गया, द्रव में जैसे मिट्टी का तेल हो गया, गैस आप LPG यूज़ करते ही हैं घरों में, तो ये सब चीज़ें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही रूप में हमारे ईंधन होते हैं। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। ये बेटा छोटे क्वेश्चन में बन जाते हैं कि दाह्य पदार्थ के नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला, ठीक है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन में से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न होता है। जब भोजन ऑक्सीजन में से अभिक्रिया करता है तो उष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ बच्चों एक एग्जांपल है, ये देखिए। एक जलती मोमबत्ती
को मेज पर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि देखिए जिस प्रकार आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है बच्चों कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को फिर देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है कि ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है। यह कंपन करती है और धुआं देती है। क्या ये कंपन करती है? जी हाँ, यह अब अप्रभावित जलती रहती है। इसमें क्या होता है ये देखिए बच्चों। जब हम एक मतलब तीन मोमबत्ती लीजिए, इसमें जो हमें बताया गया है, इसमें जो प्रयोग है कि मोमबत्ती लो, उसे जलाओ और उसके ऊपर क्या उल्टा रख दो, एक गिलास या ठीक है या एक गिलास में मोमबत्ती जला दो और उसके ऊपर एक प्लेट रखो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कितनी देर मोमबत्ती जलती है और अगर बंद हो जाती है तो क्यों हो जाती है? उसका रीज़न बच्चों ये है कि जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी वो मोमबत्ती जलती रहेगी। जैसे जैसे उसकी ऑक्सीजन समाप्त होने लगेगी वो थोड़ी सी उसमें कंपन होनी शुरू हो जाएगी और जब ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। हम इसमें आगे पढ़ते हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। मोमबत्ती निर्बाध के रूप में जलती है जबकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकती है। दूसरी अवस्था ये है, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होती है और धुआं उत्पन्न होता है। तीसरी अवस्था ये है कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं। चीज हमने आपको बताया बेटा कि जब ऑक्सीजन आती रहती है, जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती है वो आराम से जलती रहती है, जब ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है तो वो उसमें कंपन होने लगती है और जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो वो बुझ जाती है। तो सूर्य अपनी ऊष्मा प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो सत्य है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभ के अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयला, जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट पर रखिए या तवे पर रख दो या प्लेट पर रख दो। इसे एक कांच के जार तथा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। कोयला जल रहा है, उसको जार से ढक दो। कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्यों होता है बंद? क्योंकि उसे भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जो है उससे कवर्ड हो जाता है पूरी तरह से, जिससे कि वो आग से बच जाता है, ठीक है बच्चों। अब अपने कुछ अनुभवों को क्या हम शेयर करते हैं। एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है, जब हम उसे जलाते हैं तभी जलती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लेके जाते हैं तो यह क्या यह जल उठेगा? हाँ, जब हम कागज के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो वो कागज क्या हुआ, धुँ धुँ करके जल उठे। आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास ले जा सकते हैं। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है, इस विषय में? तो बच्चों ये सारी बातें हमें क्या होता है कि ये सब जो जलती हैं चीज़ें किसके प्रभाव में आके जलती हैं? ऑक्सीजन के, ठीक है।
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों पकड़ लेती है? माचिस क्यों पकड़ती है बेटा? पहले माचिस पे, माचिस को हम जब जलाते हैं तो वो आग क्यों पकड़ती है? क्योंकि माचिस के ऊपर जो बाहर की साइड जो फास्फोरस लगा होता है, जब हम उसको, और तिल्ली पे भी लगा होता है, जब हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो वो जल उठता है। अब माचिस का इतिहास क्या है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिश्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह प्रयोग में किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 200 वर्ष पूर्व। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण है। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता है। तब जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस जल उठता है, यानी प्रज्वलित हो जाता है। इससे माचिस की तिल्ली का दहन आरंभ हो जाता है। तो ये है बच्चों माचिस की का इतिहास। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिसों के उपयोग करने वाले दोनों के लिए ही खतरनाक है। जो श्वेत फास्फोरस उस पर लगाया जाता है वो दोनों के लिए ही खतरनाक है, जो वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए भी और जो उनका प्रयोग करते हैं उनके लिए। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड में अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन आरंभ हो जाता है। ये बच्चों, तो आजकल श्वेत फास्फोरस नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह जो कार बनाते हैं माचिस उनके लिए भी खतरनाक है, जो माचिस का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी ये खतरनाक होता है। ज्वलन ताप कम रहता है। कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप में आग नहीं पकड़ती, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो आग पकड़ लेता है। इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल में रखने से हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप, उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों आज का हमारा यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।